नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आज हम लोग समझेंगे कि सपनों में हम कैसे भी अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। हम जब सोते हैं तो हमारे तीन साइकिल चलते हैं माइंड के, जिसमें हम अल्फा लेवल्स के डीप लेवल्स में जाते हैं और वो अल्फा लेवल्स का हम यूज़ कर सकते हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ कर सकते हैं इस वर्ल्ड से कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। लगभग लोग उसके लिए ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक यूज़ करते हैं। हमारा जो बॉडी है वो 70% पानी से बना हुआ है, तो जब हम पानी के द्वारा किसी थॉट को भेजते हैं तो लगभग हर सेल की मेमोरी के पास वो पहुंचती है। हमारे सेल्स की भी मेमोरी होती है, तो सेल्स की मेमोरी तक वो पहुंचकर उसका जवाब हर सेल के पास पहुंचकर उसका जवाब तलब करती है। तो हम ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक के लिए क्या करते हैं, पानी का एक ग्लास लेते हैं और उसको नीचे हाथ रख के और एक हाथ ऊपर रख के वाइब्रेशंस पास करते हैं। रेकी वाले रेकी के वाइब्रेशंस दे सकते हैं। यहाँ हम केवल थॉट्स के माध्यम से कि एक वाइब्रेशंस जा रही है और इस पानी को चार्ज कर रही है, ऐसा सोचते हुए अपने आईबॉल्स को थोड़ा ऊपर ले जाना है। आईबॉल्स को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग में आ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि कोई मुझसे बात करने लगा है, तो हमारे आईबॉल्स को ऊपर ले जाएंगे। आईबॉल्स को ऊपर ले जाकर इसके अंदर इंटेंशन पुटअप करेंगे कि मुझे किसी भी सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए क्या करना है, केवल ये पानी पीना है। ऐसा सोचते हुए उसको एक या दो मिनट हम वाइब्रेशंस पास करेंगे और फिर उस पानी को पी लेंगे। जैसे मुझे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए कोई क्वेश्चन है, तो मेरे बेटे की पढ़ाई को सक्सेसफुल करने के लिए मुझे क्या करना है, ये पानी पी के सो जाना है और मुझे सपनों में एग्जैक्ट उसका आंसर मिलेगा। ऐसी इंटेंशन पुटअप करके मैं इस पानी को पी लूँगा, उस ग्लास को साइड में रख दूंगा और सो जाऊंगा। उसके बाद आपको कोई थॉट नहीं लाना है। तो मीन्स ये कि जब आप बिल्कुल सोने वाले हों, आप ड्राउजी फील कर रहे हैं, बहुत डिजीनेस फील कर रहे हैं, आपकी आंखें बहुत भारी हो चुकी है, इसके बाद आपको सोना ही है और कोई वर्क नहीं करना है, उस टाइम पे हम पानी का ग्लास पीते हैं और सो जाते हैं। रात को हमें सपने आते हैं और उससे लगता वक्त कुछ न कुछ आंसर मिलता है। उस आंसर को हमें इंटरप्रेट करना है, पिक्चर्स की लैंग्वेज में आपको आंसर मिलेंगे, उसको इंटरप्रेट करना है। हो सकता है पहले दिन नहीं समझ पाए तो दूसरे दिन फिर से उसे कीजिए, तीसरे दिन फिर से उसे कीजिए, तीसरे चौथे दिन आपको एग्जैक्टली उसके सपनों को इंटरप्रेट करते हो जाओगे कि आपको इसका रिजल्ट क्या आया है। बाय चांस ऐसा कई बार होता है कि हमको याद नहीं रहता है सुबह उठ के, तो इसके लिए भी एक टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जब आप पानी पिए तो आधा ग्लास ही पानी पिए, आधा ग्लास बचा के रख लें। सुबह को जब आपकी आँख खुलती है, आपको पहला काम ये करना है कि मुझे उस सवाल का जवाब प्राप्त करने के लिए क्या करना है, उसको मेरी लाइफ में अप्लाई करने के लिए क्या करना है, केवल ये आधा ग्लास पानी और पीना है। जैसे ही आपको आधा ग्लास पानी आप पियेंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस पिक्चर्स को जो उसने रात को देखी थी फिर से रिवाइज करने लगता है, आप उसे समझने लगते हैं और उसको अप्लाई करने लगते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाया इस टेक्निक को यूज़ करके। आशा है कि आप भी इसे रेगुलर यूज़ करेंगे और बहुत सारे अपने सवालों का जवाब इसके द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।